नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। शहीद जवान करीम सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा कन्नौज के पैतृक गांव अजान। पार्थिव शरीर देख परिजनों में कोहराम। शहीद के अंतिम दर्शन को उमड़ा जन सैलाब। कुछ देर बाद होगा शहीद का अंतिम संस्कार। पुलवामा हमले के बाद भारत पाक में बढ़ा तनाव। पाकिस्तान ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। मौसम की तरफ मिजाज तेवर, धुंध के साथ आसमान पर छाए बादल, कई जगह छिटपुट बूंदाबांदी। और इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पुलवामा में शहीद हुए जवान प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। कन्नौज जिले के अजान गांव के रहने वाले थे शहीद प्रदीप सिंह। शहीद का परिवार शोक में डूबा। शहीद के अंतिम दर्शन कोमड़ा जन सैलाब। कुछ देर बाद किया जाएगा शहीद प्रदीप सिंह का अंतिम संस्कार। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित कन्नौज से हमसे जुड़ चुके हैं। जी विवेक, जाना चाहूंगी जिस तरह से कुछ ही देर में पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंच गया है और संस्कार बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ वहां पर इस वक्त माहौल है, किस तरह की स्थिति है? अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। मंत्री, प्रभारी मंत्री जो संदीप सिंह है वो पहुंच चुके हैं। जिले की अर्चना पांडे जी पहुंच चुकी है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ के जो युवा है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के बराबर नारे लगा रहे हैं और प्रदीप सिंह जो कन्नौज का लाल था शहीद हुआ है उनके जिंदाबाद पर रहे कि मर रहे हैं के नारे लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह पूरे देश में दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर देखा जा रहा है, इस वक्त की अगर बात की जाए, कन्नौज की अगर बात की जाए, तो क्या कुछ हर एक दिल से आवाज आ रही है वहाँ? जी बिल्कुल, जो भी यहाँ पर है लगभग हजारों, 20,000 लगभग युवा और सभी ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर बराबर सिर्फ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बराबर युवाओं में उत्साह दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख है घड़ी में। और मंत्री, जो मंत्री जी पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं सभी लोग। और कन्नौज जिलाधिकारी, कन्नौज एसपी भी पहुंच चुके हैं। सारी तैयारियां चल रही हैं। जी बहुत जी, जानना चाहूंगी कि कितने बजे तक अंतिम संस्कार हो सकता है? बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, कितना समय लग सकता है? बिल्कुल बता दें, लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर अंतिम संस्कार हो जाएगा। उनकी एक छोटी सी बेटी है, 1.5-2 साल की, सोना, वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ सुप्रिया बड़ी बेटी, वो मौजूद है। और उनके साथ जो ब्रिगेडियर आए हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर मौके पर। और जिले का पूरा फोर्स मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बता दें कि कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पुलवामा में शहीद हुए जवान प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंच गया है। आपको बता दें कि कन्नौज जिले के अजान गांव के रहने वाले थे शहीद प्रदीप सिंह और इसके बाद ही शहीद का पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है और अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब, जैसा कि हमने आपको बताया कि उमड़ रहा है। और कुछ ही देर बाद में किया जाएगा शहीद प्रदीप सिंह का अंतिम संस्कार। और रुक करेंगे अगली खबर का। डायनामिक केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और बुंदेलखंड डिजिटल केबल नेटवर्क एसोसिएशन की तरफ से झांसी जिले में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। कैंडल मार्च की अध्यक्षता करते हुए डायनामिक झांसी ऑपरेशन मैनेजर नीरज रॉय ने कहा कि आतंकवाद पर अंकुश बहुत जरूरी है, हमारे देश के जांबाज जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए।
ये कैंडल मार्च लक्ष्मी बाई पार्क से निकाला गया और इलाइट चौराहे पर इसका समापन किया गया। इलाइट चौराहा पहुंचकर सभी ने शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी धारण किया। और इस तरह से कैंडल मार्च निकालने के साथ ही आतंकवाद पर अंकुश लगाने की सीधे तौर पर मांग उठी है। आपको बता दें कि पुलवामा में शहीद जवानों के लिए निकाला गया ये कैंडल मार्च, जहां सरकार से मांग की जा रही है कि अब बहुत हो गया, अब अंकुश लगाया जाए आतंकवाद पर। डेन अम्बे केबल नेटवर्क ने निकाला ये कैंडल मार्च झांसी के, और इसके साथ ही अलाइट चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर शहीदों की शहादत को नमन किया गया। और सरकार से आतंकवाद पर अंकुश लगाने की मांग की गई। आपको बता दें कि डेन अम्बे केबल नेटवर्क ने निकाला यह कैंडल मार्च, 2 मिनट का मौन धारण करके, इसके साथ ही 2 मिनट का मौन धारण करके शहीदों को नमन किया गया, उनको याद किया गया। आपको बता दें कि पुलवामा में शहीद जवानों को नमन किया गया और उनको याद करते हुए ये कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि लक्ष्मीबाई पार्क से होते हुए लाइट चौराहे तक पहुंचा और जहां पर पहुंचकर सभी ने 2 मिनट का मौन धारण करके शहीदों को नमन किया। और इसके साथ ही मांग की कि अब बहुत हो चुका है, सरकार को अब आतंकवाद पर अंकुश लगाना ही चाहिए। मिश्रित शोक इसको व्यक्त करने के लिए आज सारा डेन अम्बे परिवार केवल नेटवर्क एसोसिएशन के सभी सदस्य यहां पर पुलवामा के जो वीर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और आतंकवादियों की इस गतिविधि को जो विभत्स भी है, शर्मनाक भी है, इसकी भर्त्सना करते हैं। झांसी में झांसी नगर के केवल ऑपरेटर एसोसिएशन ने जो कल पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी, हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आज देश का हर एक प्राणी शोक में है। और इस बीच बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पुलवामा में शहीद हुए जवान अजीत कुमार आजाद का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। उन्नाव से बड़ी खबर, पुलवामा में शहीद हुए अजीत कुमार आजाद का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर, अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ शहीद का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा पूरे जिले का जन सैलाब, शहीद के लिए सभी की आंखें। अंतिम यात्रा के बाद राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। उन्नाव से बड़ी खबर, पुलवामा में शहीद हुए अजीत कुमार आजाद का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ शहीद का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा पूरे जिले का जन सैलाब। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, जानना चाहूंगी जिस तरह से पुलवामा में शहीद हुए अजीत कुमार आजाद का पार्थिव शरीर अब घर पहुंच चुका है, क्या कुछ बताएंगे इस पर आप? आपको बताएं कि जैसे ही
शहीद अजीत कुमार आजाद का शव उसके पैतृक आवास पर पहुंचा, तो उसके बाद हजारों की संख्या में आम और खास लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की जय के नारों के बीच में उसकी अंतिम यात्रा, शहीद की अंतिम यात्रा यहां से निकल चुकी है। और आपको बता दें कि लोग छतों से खड़े होकर, सड़क के किनारे खड़े होकर आंसू नैनों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसके साथ साथ पूरी मामले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश भी लोगों में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, दुख और आक्रोश दोनों ही इस मौके पर सभी के दिलों में और जुबान पर नजर आ रहा है। जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अब पहुंच चुके हैं, पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है, अंतिम यात्रा भी शुरू हो चुकी है, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा? अंतिम संस्कार चूंकि इतनी भीड़ है, इतनी जबरदस्त भीड़ है, जगह जगह पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो अभी कम से कम एक घंटे से डेढ़ घंटे लग जाएगा वहां तक पहुंचने तक। जी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि आम और खास सभी की जुबान पर दुख भी है और गुस्सा भी है, जानना चाहूंगी कौन कौन से खास लोग पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए? जी कौन कौन अब तक उनके पास श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुका है? सभी दलों के लोग, सपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं सुनील सिंह काजन हो, सदर विधायक भारतीय जनता पार्टी के पंकज गुप्ता हो, उसके अलावा भी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश शुक्ला, प्रभारी मंत्री रमापत शास्त्री, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जो की प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष जो की यहीं के रहने वाले उनका गृह जनपद है, वो भी सीधे अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें उन्नाव से बड़ी खबर, जहां पुलवामा में शहीद हुए अजीत कुमार आजाद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो चुका है शहीद का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए पूरे जिले का जन सैलाब उमड़ गया है। आपको बता दें कि शहीद के लिए सभी की आंखें नम है और आम से लेकर खास सभी पहुंच चुके हैं आखिरी दर्शन के लिए, और सभी की जुबान पर एक ही बात है क्या बहुत हो चुका है, बदला लेने की जरूरत है। बता दें कि अंतिम यात्रा के बाद राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा शहीद का अंतिम संस्कार। उन्नाव से हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलवामा में शहीद हुए अजीत कुमार आजाद का भी पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो चुका है, और इस मौके पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरे जिले का जन सैलाब उमड़ा है और सभी की आंखें शहीद के लिए नम है। ये वो मौका है जब दुख भी है और गुस्सा भी है, आंखों में आंसू भी हैं और साथ में नारेबाजी भी की जा रही है कि बहुत हो गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि अब बदला लिया जाए। आपको बता दें कि आम और खास सभी पहुंच चुके हैं, हृदय नारायण दीक्षित जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, सपा के नेता सुनील साजन वो भी वहां मौजूद हैं, और इसके साथ ही मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। और इसके साथ ही अन्य दलों के खास लोग पहुंच चुके हैं, सभी दलों के नेता पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वो मौका, ये वो ऐसा समय है जब सभी की आंखें शहीदों के लिए नम है, आम हो या खास, सभी दल के बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं, सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
रोशन हो फिजाएं, उम्मीदें हो नई, जहां रोशन हो फिजाएं, उम्मीदें हो नई, दुनिया को देंगे खुशियां, जनरेशन हम नई, जनरेशन हम नई, जनरेशन हम नई। दुनिया की हर दिशा में वाजपेयी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं निशंक सम्मान समारोह में 17 फरवरी सुबह 11 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। निवेदक सरस वाजपेयी संरक्षक प्रेस क्लब एवं विवेक वाजपेयी संपादक खोजीनारद। कार्यक्रम स्थल सीएमएस हॉल नियर सोसाइटी मोटर्स मैक्रॉबर्टगंज कानपुर। मुख्य अतिथि तनवीर हैदर उस्मानी वरिष्ठ पत्रकार एवं चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग। निशंक सम्मान पाने वाले निशंक कानपुर रत्न सम्मान 2019 तनवीर हैदर उस्मानी, सुरेश चंद्र दीक्षित मुन्ना भैया निशंक नियोजन सम्मान 2019 रतन कुमार श्रीवास्तव आईपीएस, दुर्गा प्रसाद शुक्ला स्मृति निशंक शिक्षा सेवा सम्मान 2019 एमए नकवी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला स्मृति निशंक स्वच्छता सेवा सम्मान 2019 संतोष शर्मा नगर आयुक्त, आज्ञावती शाही स्मृति निशंक सेवा सम्मान 2019 सुश्री अर्चना त्रिपाठी, क्रांति दादा स्मृति निशंक सेवा सम्मान 2019 राकेश पांडे, प्रमोद तिवारी स्मृति निशंक लेखन सम्मान 2019 मनोज राजन त्रिपाठी, निशंक चिकित्सा सेवा सम्मान 2019 डॉक्टर ब्रजेंद्र शुक्ला। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं JMD News, आप जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरा दिन आतंकवाद का पुतला दहन और आक्रोश के नाम रहा। वहीं शाम के समय लोक निर्माण विभाग चुनीगंज के कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से भी होटल पैराडाइज सिविल लाइन्स में श्रद्धांजलि सभा करके कचहरी चौराहे से बड़ा चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण कर केंद्र सरकार से जल्द की कार्रवाई की मांग की। जो हमारे
देश के अपने सैनिकों के ऊपर जो हमला पुलवामा में कश्मीर में हुआ है कायरतापूर्ण, उसके विरोध में हम श्रद्धांजलि देते हुए और सैनिकों के लिए हम अपनी भावना को जोड़ते हुए कि उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे और देश के प्रधानमंत्री को भी ये हम ताकत देने का काम जन जन सारे लोग करना चाहते हैं कि उनको लगे कि पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की, चाहे वो युद्ध की भी शक्ल में हो, तो देश का एक एक नागरिक उनके साथ में है। उसी मुल्क द्वारा आतंकवादियों द्वारा जो कायरपुर कार्रवाई हमारे कश्मीर के पुलवामा में की गई है और जो जवान शहीद हुए हैं, हम लोगों ने बचपन से ये सीखा है कि नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, और उस सिपाहियों ने जो आज शहादत दी है उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और निश्चित रूप से भारत जो हमारे प्रधानमंत्री हैं प्रदेश देश के, वो उन्होंने जो आज संदेश दिया है इसका बदला जरूर निकट वाले आने भविष्य में लिया जाएगा और लोक निर्माण विभाग पूरा परिवार आज इस आतंकवादी घटना से बहुत व्यथित है और हम लोग यहाँ पर अपने जवान जिनके शहादत हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुआ है। बांदा के कमासन थाना अंतर्गत लोहरा गांव के एक दबंग ने महिला को आंगनबाड़ी सहायिका की नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका शोषण किया, जिससे परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हम आपको बता दें कि मृतका के बच्चों ने आरोप लगाया है कि दबंग मां को अक्सर अश्लील फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर घर बुलाता था। हम लोग पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन अभी तक मामले की सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों को पता चला था वहाँ गए हैं तो वहाँ हमको गाली दिया है, तो फिर हम लोगों ने चाचा लोग को बुलाया, फिर 100 नंबर के सामने ही उनको निकाला गया था। फिर वो रात में वहीं पे हमारे घर आया और बोला कि पैसे वगैरह ले लो और ये मामला रफा दफा कर दो। किसने कहा था ये? उमदत पांडे ने। मामला ये है कि हमारी भाभी को उमदत नाम करके एक ब्राह्मण है, वो जो है नौकरी का झांसा दे करके यौन शोषण करता रहा और जब कई बीती रात में 7 तारीख को जो है बुलाया उसने, तो वहाँ भी जो है यौन शोषण किया। फिर पुलिस भी पहुंची, घर के बच्चे लोग छोटे पहुंच गए तो वहाँ पे उन लोगों ने जब कहा तो उसको गाली, बच्चों को गाली वगैरह दिया और 100 नंबर के सामने ही उनको निकाला गया। तो रात में जाता है 3:30 बजे, कहता है कि पैसा लेके मामला रफा था। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश के साथ शहर में आम जनता का गुस्सा फूटा। हर गली हर चौराहे पर लगातार इस कायराना हमले की निंदा की जा रही है। विरोध की इस बुलंद आवाज में सभी दल एक स्वर में सरकार से बदले की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिलक हॉल के बाहर घटना का विरोध करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका और सरकार से बदले की मांग की। वहीं भारी संख्या में बजरंग दल के सदस्यों ने भी शहर के प्रमुख बड़े चौराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंका और पाकिस्तान का झंडा पैरों तले रौंद कर आग के हवाले किया। कचहरी में अधिवक्ताओं ने शहीद हुए देश के जवानों को श्रद्धांजलि दी और कैंडल भी जलाई और उसके बाद अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद की जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही पाकिस्तान के पुतले को अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में घुमाए और फिर शताब्दी गेट पर पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग अधिवक्ताओं ने की। कायराना हरकत हुई है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने जो हमारे निर्दोष भारतीय सैनिकों को जो है एक मतलब जो है अनैतिक पूर्ण कार्य किया है, उसके विरोध में पूरे देश में भी हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुतला दहन करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र मांग रखकर पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहले तो पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से नमन कर रहा हूँ, श्रद्धा सुमन कर रहा हूँ और बड़े ही हुए भीभत्स घटना को कड़े शब्दों पर निंदा करते हुए आतंकवादियों को और पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं किया, हम इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक दिखाने का काम करें और कश्मीर के साथ साथ देश के अन्य स्थानों पर जहां भी आतंकवादों की घटनाएं आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं वहां से पूरी तरीके से आतंकवाद को सफाया करने का काम करें। देश का जनमानस, देश की सारी समस्त राजनीतिक दल पार्टियां
उनके साथ हैं। कल कश्मीर में जो हमारे जवान 42 जवान जो शहीद हुए हैं, उन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब मोदी सरकार पत्थर कश्मीर के पत्थरबाजों को सीधे गोली मारने का आदेश देगी। इसी मांग को लेकर कि बहुत जल्द ये कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा हम शिवसेना के लोग मजबूर होंगे और कश्मीर जाकर हम लोग खुद भारत माता की सुरक्षा में लग जाएंगे। कल की जो घटना है, हमारे 45 जवान शहीदों को इतनी बेरहमी से कायरतापूर्वक तरीके से जो हमला करके उनको शहीद किया गया है, इस पे पूरे काम पूरे हिंदुस्तान की जनता, माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरी आशा रखे हुए है कि वो निश्चित जल्दी उनसे बदला लेगी और पूरा हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री के साथ है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी और इस समय आतंकवाद का मतलब उनका एक हृदय विदारक घटना है, उसमें कुछ कहना गलत है। सत्य ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कल का मोदी जी को अच्छा रोल निभाना चाहिए, अब देख रहे हैं कि सब इस तरह की बातें हैं। एक 20 साल का लड़का हमारा इतना बड़ा तबाही फैला करके चला गया, आकर के वो मोहम्मद डार जो था वो 20 साल उसको पेपर में दे रहे हैं, ऐसा एक बंदा अगर इतना बड़ा कर सकता। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां शहीद श्याम बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर देहात। बड़ी खबर कानपुर देहात से, शहीद श्याम बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर देहात। गांव में ग्रामीण व परिजन कर रहे शहीद का इंतजार। कानपुर देहात के डेरापुर के रहने वाले थे शहीद श्याम बाबू, जिला प्रशासन ने की अंतिम संस्कार की तैयारी। बीजेपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा समेत कई लोग मौजूद। बड़ी खबर कानपुर देहात से, शहीद श्याम बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर देहात। जिला प्रशासन ने की अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी। कानपुर देहात के डेरापुर के रहने वाले थे शहीद श्याम बाबू। गांव में ग्रामीण और परिजन कर रहे शहीद का इंतजार। बड़ी खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात से बड़ी खबर, शहीद श्याम बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर देहात। जिला प्रशासन ने की अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी। गांव में ग्रामीण व परिजन कर रहे शहीद का इंतजार। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा समेत कई लोग मौजूद। बड़ी खबर कानपुर देहात से, शहीद श्याम बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर देहात। कानपुर देहात से बड़ी खबर, शहीद श्याम बाबू का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर देहात। जिला प्रशासन ने की अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी। और इस पर बात करने के लिए कानपुर देहात से हमारे संवाददाता यासीन अली हमसे जुड़ चुके हैं। जी यासीन, जाना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि शहीद श्याम बाबू का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है कानपुर देहात, क्या कुछ बताएंगे आप? जी आपको बता दें कि शहीद जो श्याम बाबू है उनका पार्थिव शरीर कानपुर देहात की सीमा में पहुंच चुका है। जगह जगह उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम लगा है। भारत माता के जयकारे और शहीद श्याम बाबू के अमर रहे के जयकारों के साथ पूरा कानपुर देहात गुंजायमान है। सभी लोग नम आंखों से देश के इस लाल को उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से उनका इंतजार कर रहे थे सभी के सभी, और अमर रहे ऐसे नारे लगाते हुए उनको जिस तरह से नमन किया जा रहा है। जानना चाहूंगी कि कौन कौन इस मौके पर मौजूद है, किन किन के आने की संभावना है? जी आपको बता दें कि इस समय जिले का जो प्रशासनिक अमला है, जिले के जितने भी राजनीतिक दल है उनके जो नेता है वो भी मौजूद है। साथ में कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के आने की संभावना है, उनको अंतिम दर्शन वो भी करेंगे। और जो कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी आने का एक प्रोग्राम है संभावित।
जी बिल्कुल, जाना चाहूंगी कितनी करीब कितनी देर में अब घर तक पहुंच जाएंगे पार्थिव शरीर शहीद श्याम बाबू का। जी अभी कुछ ही लम्हों बाद कानपुर देहात की जो उसमें डेरापुर के गांव में उनका जो गांव है वहां उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। कानपुर देहात के डेरापुर में उनका पार्थिव शरीर आ चुका है, लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए रोड के किनारे किनारे फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। जी जानना चाहूंगी, जैसे कि बताया जा रहा है कि सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी के साथ में कई लोग मौजूद हैं, कि कौन कौन ये लोग हैं जो उनके उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद हैं। ये आपको बता दें कि जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और पुलिस के आला अधिकारी वो भी मौजूद हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कानपुर देहात के, जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी के नेता मौजूद हैं, और प्रदेश के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अभी कुछ ही देर बाद कानपुर देहात उनके पैतृक गाँव पहुँचने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बता दें कि बड़ी खबर शुक्लागंज से हम आपको दे रहे हैं, जहां उन्नाव के शहीद अजीत कुमार आजाद का, आपको बता दें कि कानपुर देहात से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां शहीद श्याम बाबू का पार्थिव शरीर कानपुर देहात पहुंच चुका है, जहां गांव में ग्रामीण और परिजन कर रहे हैं शहीद का इंतजार। और कानपुर देहात की सीमा में पहुंचते ही किस तरह से झंडों के साथ और अमर रहें ऐसे नारे, शहीद अमर रहें ऐसे नारों के साथ में उनके अंतिम दर्शन के लिए सभी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि घर से लेकर कानपुर देहात की सीमा में प्रवेश करने के साथ साथ उनके घर तक सभी रास्ते में मौजूद हैं उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। बता दें कि सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा से साथ में कई लोग मौजूद हैं। कानपुर देहात के डेरापुर के रहने वाले थे शहीद श्याम बाबू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास